करनाल में रविदास समाज पिछले कई दिनों से दिल्ली तुगलकाबाद मंदिर मुद्दे को लेकर जो धरना चल रहा है उसको समर्थन देने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सेलजा और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे। उन्होंने समाज के लोगों को आश्वासन दिया कि हम आपके साथ हैं। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान कुमारी सेलजा ने कहा कि ये सरकार दमनकारी नीति अपना रही है और जो लोग सच्चाई दिखा रहे हैं उनके ऊपर ही मामला दर्ज कर रहे हैं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, बड़ा जबरदस्त जोश था लोगों को। टिकटो वितरण के लेके ज्यादातर टिकटार्थी लग रहे थे प्रोग्राम में। अच्छा है, टिकटार्थी नहीं होंगे तो कौन चुनाव लड़ेगा? बीजेपी 75 प्लस का नारा दे रही है। वो तो 90 सीटें हैं, 90 में से 110 का दे देंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है? ये तो फैसला लोग करेंगे ना। कांग्रेस की गुटबाजी अब खत्म होने को? कोई गुटबाजी नहीं कहूँगा, कोई गुटबाजी नहीं। बिल्कुल, हम इनके साथ खड़े हैं। इन्होंने एक मुद्दा उठाया और जायज मुद्दा है। एक मंदिर को ढा दिया गया और अगर सरकार चाहती तो प्लानिंग ढंग से कर सकती थी। इतने लोग वहां पर गए और कितने लोगों को उन्होंने अंदर कर दिया है, तो इंसाफ चाहते हैं, धरने पर बैठे हैं और हम इनके साथ। आज आपका प्रोग्राम था करनाल में, कार्यकर्ता सम्मेलन था जी, और कैसा रिस्पांस आपका? बहुत अच्छा रिस्पांस है। कांग्रेस में बहुत जोश है, हमारे कार्यकर्ताओं में जोश है और ये जो जोश है ये लोगों का जोश है। लोगों का इस सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार, और ये तो सीएम नगरी है, अंधेर नगरी है ये आज के दिन, तो इनके प्रति जो रोष है वो हमारे लोगों में, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश दिखता है। सेलजा जी, बीजेपी एक नारा देती है 75 पार का, वो इसलिए क्योंकि वो बोलती है क्योंकि ये कोई विपक्षी नहीं है, क्योंकि इनके पास हमेशा खोखले नारे होते हैं। अच्छे दिन का नारा था ना, मिला क्या आपको? मिला? फिर इनके पास केवल नारे हैं और खोखले नारे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। हर बार नई नई क्वाइनेज कर लेते हैं। कुमारी सेलजा ने कहा कि इन लोगों ने आपातकाल जैसी स्थिति बनाई हुई है। अगर कोई पत्रकार सच्चाई को जनता के सामने लाना चाहता है तो उसी के खिलाफ ये मामला दर्ज कर रहे हैं। हुड्डा ने कहा कि पत्रकार का काम है लोगों के सामने सच्चाई लाना, लेकिन सरकार जो कर रही है वो सरासर गलत है। लेकिन प्रशासन का इवन एक चौकीदार भी यहाँ हमसे ये नहीं कि हम जूस लेके आ जाते हैं और आप लोग अपना धरना खत्म कर दो। करनाल से न्यूज के लिए केस फिर की रिपोर्ट।